वो कैसे आगे बढ़ता है मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था, एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहे, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले पांच साल में, नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता, वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है, लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे ले, कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र है, इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी, क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंच रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर, बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ ऑफ ही अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है, और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा,
यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी यह वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम, परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी, आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा, और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया,